जी शेख, मेरा सवाल नमाज में टोपी के सिलसिले से है जी। क्या अगर हम बिना टोपी के नमाज पढ़ते हैं तो क्या इसमें सवाब की कमी होगी या सवाब बराबर मिलेगा इसमें? आ जी देख नहीं देखिए भाई, नमाज का टोपी से सिर्फ ये ताल्लुक है कि जिस तरह से आप लिबास पहनते हो उसी तरह से टोपी भी लिबास का एक हिस्सा है। तो अगर आपके यहां टोपी ये लिबास का हिस्सा माना जाता है, जीनत का हिस्सा माना जाता है, तो ऐसी सूरत में टोपी पहनना ये मुस्तहब है, क्योंकि कुरान करीम की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, खुदू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। नमाज में जब हमें जाना है तो जीनत इख्तियार करके अच्छे कपड़े पहन करके जाना है, और अच्छे कपड़े पहनना नमाज में ये मुस्तहब है। तो अगर टोपी पहनना किसी इलाके में अच्छे कपड़े का हिस्सा माना जाता है तो वहां इसलिए टोपी पहनना मुस्तहब है क्योंकि वो कपड़े का हिस्सा है। लेकिन अगर कहीं पर टोपी पहनना ये लिबास का हिस्सा नहीं माना जाता है तो वहां पर टोपी नहीं पहनना है। तो टोपी का ये ताल्लुक है। ऐसा नहीं कि हमारे यहां मस्जिदों में जो गंदी टोपी प्लास्टिक की रखी रहती है ना, वो नमाज के साथ तौहीन है, मस्जिद के साथ तौहीन है, नमाजी की तौहीन है। और ऐसा भी नहीं है कि टोपी आपने नहीं लगाया तो नमाज नहीं होगी। अल्लाह के नबी ससम कभी टोपी नहीं लगाते थे। उनके यहां जो लिबास था पगड़ी, पगड़ी बांधते थे वहां के लोग। तो जो आपके यहाँ का लिबास है आपको वो पहनना। आप ये पॉइंट याद रखें कि जो आपके यहाँ का लिबास है आपको वो पहनना है। अगर आपके यहाँ का लिबास टोपी है तो टोपी पहनिए। तो ऐसा नहीं कि टोपी नहीं पहनेंगे तो नमाज नहीं होगी। अगर आपके यहाँ टोपी जीनत का हिस्सा है तो जीनत इख्तियार करना मुस्ताब है। जी, अगर मैं टोपी लगाऊंगा नमाज में और बाद में जब मस्जिद से निकलूंगा फिर टोपी उतार दूंगा, ये जायज रहेगा? बिल्कुल जायज है, जायज जी है। शेख।